मेडल ही न जो ये मिले हैं। 2004 में वो स्टेट है, फिर तो मैं भाई आपकी उम्र कितनी है? 50 एंडी थोड़ा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। और भाई फिलहाल एक बार कैमरामैन से कहूंगा इन दिखा दे भाई इन महिलाओं के लाग लो ढेक, क्योंकि ये जो महिलाएं हैं ये वो महिलाएं हैं भाई जो उम्र के उस पड़ाव पर है जिस पड़ाव पर आम जो महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं वो खाट में बैठ जाते हैं, वो काम करने के लायक नहीं रहते भाई। किसी का गोड्या की बीमारी हो जाए, किसी का कुछ बीमारी हो जाए, लेकिन फिलहाल जो हमारे साथ ये महिलाएं जुड़ी हुई हैं आप लोग देख भी सको इनके गले में कितने मेडल पड़े हुए हैं भाई, कितने जो है ये मेडल इन क्यों जीते, कितने लाए, किस बात के मेडल इन जो ये मिले हैं वो हम पूरी जानकारी भी पते लेवेंगे। फिलहाल राम राम ताई। राम राम बेटा। तो ताई थोड़ा अपना परिचय दो एक बार संक्षेप में। मेरा नाम दर्शना देवी, बेटी बबैल से, बहू अटावड़ा से, और रहती हूँ 17 सेक्टर में। अच्छा। तो ताई आपकी उम्र कितनी है? 80 प्लस। 80 प्लस, ये देख लो भाई ताई की 80 प्लस उम्र है। 85 कह दे, 82 कह दे तो कोई ताजुब नहीं है, क्योंकि 80 प्लस ये खुद अपने मुंह से बताने लग रही है। और ताई ये इतने मेडल जो आप गले में गा रहे हो ये किस चीज के मेडल है? ये खेलना के है, खेलना में गई थी। अच्छा, एथलीट हो आप? हाँ, एथलीट हूँ भाई। तो कितने सिल्वर है, कितने गोल्ड है? मेरे पास 38 गोल्ड है और 2 सिल्वर है और 3 वे है। अच्छा, तो कब से मतलब आप एथलीट बने थे, कब से जवानी से ही थे? 2017 से। 2017 से। तो ताई बुढ़ापे में शौक कुकर से डिया मतलब ये एथलीट बनने का? भाई मेरा आदमी था मास्टर रिटायर, मैं जेबीटी रिटायर हूँ, बीए रिटायर थे। अच्छा। तो वो अखबार पढ़ रहे थे, अखबार में थी एक मनकोर सरदारनी चंडीगढ़ की, उसमें आया हुआ था कि 101 साल की ने 100 मीटर दौड़ में फर्स्ट आई। तो मैं मौका लगे देख बोले वो बैठे रहे पड़े रहे बोला देख इस लुगाई ने, तो वो कहने लगा तेरा जी करता हो तो आप जा सको खेल के मैदान में। तो फिर जब मैं मेरे आदमी के कहने से और उस पर उस मिली मनकोर की उस मैं जब फील्ड में आई। तो राम राम आंटी। राम राम बेटा। तो आप थोड़ा अपना परिचय दो संक्षेप में। मेरा नाम कमलेश है, मैं शिवा से हूँ और माई का जींद है मेरा। अच्छा जी, आप जींद की लड़की हो और शिवा में ब्याह आई? हाँ, शिवा में ब्याह, शिवा में ब्याह आई। आपकी एज कितनी है? 65 प्लस है बेटा मेरी एज। तो ये देख लो भाई 65 प्लस, अभी आप गले में देख सको कितने मेडल जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये मेडल भाई किसी नूं को नहीं मिलते, इन मेडलों में जीतना महंगा लगा है, एडी तो चोटी थी का जोर लाना पड़ा है जब जाके ये मेडल जीते जा है। तो आंटी आपने मतलब कब से एथलीट बनने की सोची? मैंने पहले सोची थी बेटा 2003 में, 2003 में मेरी 3 लड़की है मेरी, लड़की रेस लगाती थी, मैं उनके साथ जाऊं थी, मैंने भी दिल मनु खुशी हुई। तो वहां पे एक लेडीज थी 90 साल की, उसने रेस लगाई, मेरी लड़की बोली माँ यार लुगाई रेस लगा रही तू नहीं लगा सकती, तेरी तो थोड़ी उम्र है। मैंने उससे टाइम स्टार्ट करे, फिर खेले पानीपत जिले के थे, यहाँ पर फर्स्ट आई, फिर स्टेट हुई उसकी रिवाड़ी में, रिवाड़ी में फर्स्ट आई स्टेट पे, फिर 2004 में हुई स्टेट, फिर तो मैं लगी रही 2004 में बहादुरगढ़, वहां पर फर्स्ट पोजीशन है 100 मीटर रेस में, तो वहां पर तो सुमन मंजरी ने एसपीजी ने करे थे सम्मानित। तो फिर बीच में गेम छूट गया, गेम छूट गया, बच्चों के साथ तो मरे ही, लड़की मेरी इंटरनेशनल प्लेयर है बड़ी लड़की, कुश्ती की पहलवान सुमन कैदन। अच्छा। और फिर छूट गया, तो 2017 में फिर स्टार्ट कराया मन बुढ़िया। तो बीच में कई साल का गैप आ गया? कई साल का गैप आ गया, देख ले 2003 तक, 2017 फिर 5-15 मतलब ये 12-13 साल का गैप आ गया, साल का गैप हो गया। तो इब तो 5-6 साल हो गए कर दिया ना, 17 तक स्टार्ट कर दिया था, 5 साल हो गए। तो फिर यहाँ पे ओए फिर हम गए मैर दर्शना जी 2017 में चंडीगढ़, चंडीगढ़ 100 मीटर रेस में मेरी फर्स्ट पोजीशन, शॉर्ट पुट में सेकंड। तो फिर ईब दर्शना जी और मैं आम दिल्ली, दिल्ली गए, दिल्ली थी नेशनल, दिल्ली 3 फर्स्ट पोजीशन आई, एक 5000 किलोमीटर की रेस में, एक 100 मीटर की रेस में फर्स्ट पोजीशन, और जैवलिंग में फर्स्ट पोजीशन,
बेटा नीरज ने देखे हमें भी ये हौसला बढ़ाई हुई, मेरे बेटा भी तो बहुत दूर पहुंच रहा है, भारत का देश का नाम ऊंचा कर गया बेटे ने, हम भी कुछ करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देख लो भाई, हमारे कहते थे ना भाई, महिलाएं पुरुषों से कम नहीं, महिलाएं पुरुषों के बराबर है। बराबर क्या भाई, ये तो आगे लकड़ गई हमारी माताओं को देखो, मातृशक्ति को देखो आप, ये मातृशक्ति जो है उस मुकाम पर पहुंच गई है जिस मुकाम पर पहुंचने के आजकल के युवा बच्चे जो है, एथलीट जो है, वो ख्वाब देखते रहते हैं कि भाई हमने गोल्ड मेडल मिला, हमने सिल्वर मेडल मिला, हमारा नाम हो। लेकिन इन मातृशक्ति ने जो है वो मुकाम अपनी इस उम्र के पड़ाव पर हासिल किया, जो सबके बस की बात नहीं है। और ये पड़ाव जो है, एक आपने कहावत भी सुनी होगी, जापान के लोग जो है वो बुढ़ा होने से इनकार कर देते हैं, जापान के लोग 100 साल तक भी जवान रहते हैं। तो उन लोगों को भी पहल करते हुए, जापानी लोगों को भी पहल करते हुए, हमारी इंडियन जो महिलाएं हैं, जो हमारी मातृशक्ति है, उन्होंने जो है जापानी लोगों को भी पीछे छोड़ दिया भाई। और फिलहाल इतने सम्मान की बात है कि इन्होंने 80 प्लस उम्र की उम्र में, 70 के लगभग उम्र में जो है इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, इतने गोल्ड मेडल जीते हैं। लेकिन दुख की बात है, हमारे लिए दुख की बात है भाई, शर्म की बात है, डूब मरण की बात है, इस मातृशक्ति को इस जो ये गोल्ड मेडल मिले हैं, जो इन्होंने मेहनत की है, इसका फल इन्हें जो है नहीं मिला। क्यों माता जी, यही है ना? हाँ यही है बेटा, आज तक सरकार का कोई भी सहायता नहीं मिली। हम यही सोच रहे, कुछ मिला तो हम और भी लड़के लड़कियां ने, बुढ़िया ने तैयार करें, तो हमारे में इतना हौसला है। तो अभी क्या चाहते हो आप सरकार से? सरकार से यही मांग है हमारी, कुछ थोड़ी बहुत मदद करे, और इतने नोट नहीं चाहिए हमें, काबू में भी नहीं आवे, बस थोड़ा बहुत। तो ताई आप क्या कहना चाहोगे, मतलब सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? यही है, जैसे मैं मलेशिया गई थी, वहाँ खर्चा होया, ये भी यहाँ इधर उधर जाती हूँ, तो मेरा 2.5 लाख तकरीबन मेरा खर्चा हो चुका है अब तक। अब अपने घर से ही लगाया? घर से ही लगा रही मैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं? ना सरकार की तरफ, ना पंचायत की तरफ, ना ब्लॉक की तरफ, ना डीसी की तरफ। तो भाई देखो, ये गांव के लिए भी बड़ी शर्म की बात है कि एक बुजुर्ग महिला, एक मातृशक्ति जो आपके गांव का नाम रोशन कर रही है, और उसके बारे में सरपंच या पंचायत ने भी कुछ, गांव राम ने भी हौसला अफजाई के लिए सोचना चाहिए था भाई। फिलहाल चलो वो तो बाद की बात है, लेकिन जो सरकार है वो कहां सो रही है भाई? सरकार ने तो खुलकर मदद करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। ऐसी ऐसी महिला, ऐसी ऐसी मातृशक्ति जो है आजकल कहां देखने को मिलती है भाई, इतनी उम्र में। तो आजकल अगर हम सच्चाई बताएं आप लोगों को, तो उम्र 60 साल की रह रही है बाग, 60 साल तो ऊपर उम्र ही नहीं है, क्योंकि उस तो पहले अजाले हैं लोग। और इन मातृशक्ति ने, ये देखो आप कितना बड़ा कदम है, कितना हौसला है। तो माता जी, मैं आप दोनों को सल्यूट करता हूँ, जो आप लोगों ने ये हौसला दिखाया और ये जो आपने मेडल जीते हैं, ये बहुत बड़ी एक गर्व की बात है। जीते हैं बेटा, जीत दे रहे होंगे, हम अपना हौसला कम नहीं करेंगे। ये कितना भी शर्मी कर लो, मेरी गिर ना दो, पर हम घर नहीं बैठे दे भाई। देखो इब आप लोग भी इस वीडियो में ज्यादा ज्यादा शेयर करियो, कमेंट करियो, ताकि इस मातृशक्ति को जो है कुछ हेल्प मिल सके सरकार की तरफ से, कुछ इनकी सुनाई हो जाए ऊपर। और आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं एथलीट बनने के लिए तैयार है, अपनी तैयारी करते रहे हैं, तो वो इन मातृशक्ति का कहना है कि भाई हम उन एथलीटों को तैयार कर सकते हैं, हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन इनके पास वो सुविधाएं नहीं है, इनके पास वो बजट नहीं है। वो बजट जो है, अगर सरकार इनकी कुछ हेल्प कर दे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो लड़कियां हैं वो काफी आगे जा सकती हैं इस एथलीट में। वहां जाएंगे, अमरीका जाएंगे, नेशनल है दिल्ली में 5-6-7 को, वहां जावा हम फिर आगे जाने के लिए, तो हमारे पास नहीं, मारा तो जी कर रहा कम जावा है। फिर भाई वर्धन मेरा 2.5 लाख लगेंगे, 3 लाख, इतने तो हमारा बजट को नहीं, पर हमारा मन करता अगर हमारी सरकार है, हमने टिकट टिकट बनवा के दे दे, हमने खान पीन का भी अपना वो कर लेंगे, अतः मैं वहां तो भी देश का रोशन नाम करके आवेंगे, दोनों अरोरा ने भी तैयार करेंगे। तो भाई देख लो, आपने भी देख लिया है माता शक्ति की क्या डिमांड है, क्या मतलब ये चाह रही है, और कितना देश के प्रति इनके अंदर नाम ऊंचा करने का जज्बा है। तो इस जज्बे को कामयाब करवाना है तो इस वीडियो ने शेयर जरूर करते रहियो, और बढ़िया बढ़िया कमेंट करो, ताकि मातृशक्ति का हौसला बढ़े।
फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपसे विदा लेंगे। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, धन्यवाद।